अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप व्यूअर सब खैर से होंगी, सब की खुशहाल ज़िंदगी और नेक तमन्नाएँ खुशहाल ज़िंदगी के लिए और दुआगों सब के लिए। और चूंकि बाहर का टाइम है तो पौधों का जो है ना रखना और पौधों को के साथ होना ये बहुत ज़रूरी होता है, और बाहर में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि बाहर में जो है ना पौधों की ज़िंदगी शुरू हो जाती है, और इसीलिए जो है ना ये एक इंटरेस्टिंग मौजू बन जाती है। फिर तो आज एक और कस्टमर के लिए, कुछ कस्टमर्स हैं उनके लिए पौधे भेज रहे हैं, उसमें ज़्यादातर मेच्योर प्लांट्स हैं जो ख़ासकर आलू बुखारा और खुरमानी आड़ू की, और तो उसको मैं आपको दिखाना था उन पौधों को। ये ऐसे पौधे हैं, इसकी स्टेम आपको देख सकते हैं, स्टेम की मोटाई, और ये आलू बुखारा के प्लांट्स हैं, और इसमें अभी आप देख सकते हैं कि इसमें फूल लगे हुए हैं। ये मैं आपको ये दिखाऊँ, ये जो है ना इसी शाखों में फूल लगे हुए हैं, तो इसी साल फ्रूटिंग पे आ जाएगी। और इसके बाद भी एक और कस्टमर के लिए भी कुछ मेच्योर प्लांट्स रवाना कर रहा हूँ, तो उनका भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो कैसे पौधे हैं। तो ये एक कस्टमर है डिंगा, तहसील डिंगा, ज़िला गुजरात का, अली रशीद साहब, उनके लिए कुछ एप्पल के समर रेड और एना एप्पल के कुछ प्लांट्स भेज रहे हैं। इसके अलावा उनके लिए आलू बुखारा, खुरमानी आड़ू, चॉकलेट पारसीमन, ये चॉकलेट पारसीमन का पौधा है, ये वाला भेज रहे हैं। और ये जो ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये एना एप्पल के पौधे हैं, तो ये उनके लिए भेज रहे हैं। और ये केमोमाइल टी प्लांट, इसके टी बनाया जाता है इसके पत्तों, फूल के पत्तों से, तो ये केमोमाइल जो है ना टी प्लांट भी हमारे पास दस्तियाब हैं। और इसके अलावा ये ब्लैक इलायची का प्लांट है, नया प्लांट है, नई शुरुआत है इसकी, ये ब्लैक इलायची वाला है। ये रेड रेस पिंक मैसूर रेस्पेरी चाइनीज़ लुकार्ट, और ये जो है ये पेरिनियल प्लांट है, ब्लू वाइन फ्लावर है, सिल्वर बीरी का प्लांट है। सिल्वर बीरी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, वाकई सिल्वर की तरह कलर इसकी स्टेम का, इसलिए तो इसे सिल्वर बीरी कहा जाता है। अच्छा, ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे 12 पौधे भेज रहे हैं एक कस्टमर को, उसका चिनोट से ताल्लुक़ है, मुजफ्फर खान साहब, और उनको 12 ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स भेज रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स हमारे पास छोटे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन वेराइटी है, रेड रूबी वेराइटी है, और ये 12 प्लांट्स भेज रहे हैं उनके लिए। और छोटे ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स की डिलीवरी भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि इस ये टूटने में ज़रा बहुत नाजुक होता है ना, तो इसीलिए अगर छोटे पौधे भेजे जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक कस्टमर है, ये भी रेहान अंजुम साहब है, कोटरी, ज़िला कोटरी सिंध से ताल्लुक़ है उनका, उनके लिए भी कुछ आड़ू के पौधे, और ये चेरी प्लम के पौधे, ब्लैकबेरी अनार के पौधे भेज रहे हैं। ये एक कस्टमर है डॉक्टर ताहिर मसूद साहब है गुजरानवाला का, उनके लिए एवोकाडो प्लांट भेज रहे हैं। एवोकाडो का प्लांट आप देख सकते हैं, तकरीबन 1.5 फुट का पौधा है, मेक्सिकन वेराइटी है एवोकाडो की, ये भेज रहे हैं। और सिल्वर बेरी, पिंक मैसूर रेस्पेरी, ब्लैक बेरी, ये बेरबेरिसम जो कंटादार पौधा होता है लेकिन ये मेडिसिनल पौधा है, ये भी उनके लिए भेज रहे हैं। जैकफ्रूट का पौधा भी है, बहुत छोटा सा, वो भी भेज रहे हैं। ये भी मुजफ्फर खान साहब है, ये चिनोट से उसका ताल्लुक है, ये उनके लिए रेड ब्लड माल्टा। और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है मेच्योर प्लांट्स जो हैं खुरमानी की, ये काबुली खुरमानी का प्लांट है, और काफ़ी जो है इसके आप मेच्योर प्लांट है 4 साल का, तो इसी वजह से ये जो है इसी साल ये फ्रूटिंग पे आ जाएगी। ये आलू बुखारा की कुछ प्लांट्स हैं, तो इसी साल ये फ्रूटिंग पे आ जाएगी। ये 7 फुट के प्लांट्स होते हैं, हम कट करते हैं, 5-6 फुट तो ऑलरेडी हैं जी इसकी। और ये भी मैंने आपको जो दिखाना था, ये भी उनके लिए रवाना कर रहे हैं। एक और कस्टमर है पिंडी से ताल्लुक़ है उसका।